गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक वाटर प्रिज्म देखते हैं। और इसके लिए देखो क्या किया, आप घर पर भी कर सकते हैं। एक कटोरी ली, उसमें पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या रख दिया, ग्लास स्ट्रिप। कोई भी घर में जो मिरर हो ना, आईना हो, छोटा सा टुकड़ा उसका रख सकते हैं। और उससे क्या होगा, एक बार मैं चाहूँगा दीवार पे दिखाओ आप, हो सकता है दीवार पर यहाँ से ना दिखे, तो थोड़ा नज़दीक चलते हैं। नज़दीक आओ दीवार पे और नज़दीक से दिखाओ। और कितने कलर नज़र आ रहे हैं यहाँ से, सबसे ऊपर आप देखो कैसा कलर नज़र आया, रेड या ऑरेंज, सबसे ऊपर रेड, फिर ऑरेंज और सबसे लास्ट में देखो ब्लू कलर और बीच में येलो। तो एक्सट्रीम कलर क्या हुए, एक्सट्रीम मतलब जो दोनों किनारों पर है, रेड और ब्लू। एक बार फिर यहाँ से दिखाओ जो हमने सेटअप तैयार कर रखा है। क्या किया, कटोरी, कटोरी में पानी और पानी के अंदर हमने क्या रख दिया, मिरर, आईना। ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा एक बार इधर दिखाओ, इसमें सीढ़ी के ऊपर कलर नज़र आ रहे, और ये कलर भी कितने तरह के हैं देखो, जैसा हमने वाटर प्रिज्म में देखा था वैसे कलर इसमें भी आ रहे होंगे। और कोई ख़राब सीढ़ी घर पे मिल सकती है बेटा, तो उसके अंदर भी हम कलर देख सकते हैं। और ये कलर भी वही बात है जिसको हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, अंदर चलते हैं और चलते चलते कुछ बात करते हैं। प्रकाश वैसे तो देखो सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का होता है, तो इसमें कितने कलर होते हैं, आपने किताब में पढ़ रखा होगा सात रंग, ऐसा नहीं है, इसमें लाखों रंग होते हैं। हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको सात रंगों में बांट लिया और उस पूरे सात रंग के बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको और थोड़ा अच्छी ढंग से समझें तो मेरे पास एक ये चीज़ है, इसको देखो ध्यान से, इसके अंदर आपको कितने कलर नज़र आ रहे हैं, मैं इसको अलग अलग एंगल पर घुमाता हूँ, तो इसमें आपको तीन कलर नज़र आ रहे होंगे ज़्यादातर, RGB, अच्छा एक येलो भी ज़्यादा क्लियर है, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, और इनको आपस में मिला दें तो हम कैसा भी कलर बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक कोई सरफेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जिव मटेरियल, चाहे वो पानी हो, चाहे ये सीडी है, चाहे ये कांच की कोई चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और की है, उसमें देखते हैं, ये आप खेलते भी होगे ऐसे बनाकर, सोप बबल, इसमें देख, इसमें भी देखो कलर आ रहे हैं। हो सकता है फ़ोन का कैमरा है उसमें इतना कलर नहीं आए, लेकिन आप घर पर करना, धूप में इसके अंदर भी कलर आएंगे, क्योंकि वो भी एक, चलो इसको बाद में करते, इसके जगह इधर आओ एक बार। ये हमने एक सेटअप तैयार किया है और इसमें प्रिज्म रख लिए। प्रिज्म के ऊपर जब हम वाइट लाइट छोड़ते हैं तो क्या होता है, दिखाई दिया, रेड और ब्लू। तो रेड और ब्लू कैसे हुआ, एक्सट्रीम कलर, और बीच के अंदर आप देख रहे हो येलो कलर। तो ये भी वही बात हुई, स्पेक्ट्रम। अब इसको हम समझते हैं कि एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करें, कि वाइट लाइट को अगर हम पास करें प्रिज्म से या किसी भी डिस्पर्जिव मटेरियल से तो होता क्या है। तो ये हमने एक प्रिज्म की शेप बनाई और इधर से ये हमने एक सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो लाइट है ये कैसे कलर की है, वाइट कलर की, मतलब इसके अंदर सारे कलर छुपे हुए। अब दो मीडियम हुए, एक तो ये हुआ एयर, हवा, और एक ये हुआ ग्लास। लाइट जो है ना,
वो एक मीडियम में स्ट्रेट चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, सीधी रेखा में चलती है, और यहाँ जितने भी इसके अंदर कलर हैं सभी की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सारी बराबर हैं, तो ये अलग अलग कलर हमें नज़र नहीं आते। जैसे ही वाइट लाइट दूसरे मीडियम में आई, ग्लास में आई, तो एक खास बात होती बेटा, क्या कि उस वाइट लाइट में जितने कलर हैं सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। ये ज़बरदस्त बात है। तो जाना तो इसको क्या चाहिए, सीधा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में आई तो इसकी स्पीड हर कलर की अलग अलग हो गई। तो एक तो कलर ऐसे आया और एक कलर आ जाता है ऐसे। जो कलर ऊपर आया ना, ये कम डिविएट हुआ, और ये कैसा कलर था आपने देखा था, सबसे ऊपर कैसा कलर था, रेड कलर। इसका मतलब रेड कलर कम डिविएट हुआ, और ये जो सबसे नीचे कौन सा कलर था, ब्लू, तो ये वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ। और अगर हम देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो रेड कलर सबसे कम डिविएट हुआ और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा हुआ। इनके बीच के अंदर फिर सारे कलर विब ग्योर ऐसे। तो ये वाइट लाइट का अलग अलग कलर में बटना, इसको कहते हैं हम विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, एक खास बात ध्यान दो, इस प्रिज्म के अंदर क्या हुआ था, सभी की स्पीड अलग अलग हो गई थी, उसके कारण ये कलर आए। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कलर होते ही क्या है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग कलर बंटता है तो वो हमें अलग अलग नज़र आता है। मान लो यहाँ पर भी ऐसा ही होता हवा में, तो ये वाइट लाइट हमें कैसी नज़र आती, अलग अलग कलर की नज़र आती। जो हमने अभी अलग अलग मटेरियल पर प्रकाश को देखा और अलग अलग रंग आया, तो उसका क्या मीनिंग था कि जैसे ही वाइट लाइट किसी मटेरियल पर पड़ती है तो वो अलग अलग कलर में बट जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। किस चीज़ की स्पीड कम हो जाती है, उसके जो अंदर कलर हैं उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, उसकी वजह से वो अलग अलग कलर में बट जाती है। आखिरी बात, यहाँ से जो लाइट आई, यहाँ तो इसकी स्पीड हुई मान लो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या हुआ, सभी की स्पीड अलग अलग हुई। तो ये जो मुड़ गई ना लाइट, लाइट रे जो मुड़ गई, यहाँ से जाना तो सीधा चाहिए था, जो मुड़ गई, इस मुड़ने को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये दोनों ही, ये रेड और ये वायलेट, एक अपवर्तन तो यहाँ हुआ और फिर एक अपवर्तन हुआ यहाँ, तो लाइट रेज कितनी बार अपवर्तन हुआ, दो बार, एक प्रिज्म के अंदर और एक प्रिज्म के बाहर। देखो, एक मीडियम, फिर ये दूसरा मीडियम, और इस मीडियम से फिर ये अलग मीडियम। तो इसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। थैंक यू।